हमास और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध में बड़ा मोड़ आने वाला है। माना यह जा रहा है कि अगर ट्रंप अमेरिका का चुनाव जीत जाते हैं तो हमास पर होगा अब तक का सबसे बड़ा अटैक। देखिए रिपोर्ट। हमास का इसराइल से जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से प्रेसिडेंट जो बाइडन ने नेतन्याहू को कई बार मुश्किल में डाला है। कभी हथियारों की सप्लाई पर ब्रेक लगाकर तो कभी इसराइल पर युद्ध अपराध की तोहमत लगाकर, लेकिन अब इस वॉर में नेतन्याहू को सुपर पावर अमेरिका की फुल फोर्स मिलने वाली है। अमेरिका में सत्ता बदलते ही इसराइल के सारे संकट एक झटके में खत्म हो जाएंगे। इसका ऐलान पूर्व राष्ट्रपति और आगामी चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। ट्रंप ने हमास को सीधी चेतावनी दी है कि उनके राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले हमास सुधर जाए, वरना फर्स्ट एक्शन हमास पर होगा। ट्रंप की दो टूक, हमास सफाया करूंगा। बंधक रिहा नहीं हुए तो पूरा गाजा तबाह। नेतन्याहू को मिली ट्रंप पावर, अटैक मोड में इजराइल। यमन हो या लेबनान, घर में घुसकर धमाका। सुपर पावर का स्टाइल, फोड़ डालेगा इजराइल। सात अक्टूबर 2023 की तारीख से शुरू हुए इस युद्ध को हमास के खात्मे तक जारी रखने की धमकी इसराइल देता रहा है। इसराइल अपने बंधकों की रिहाई तक जंग जारी रखने का ऐलान कर चुका है, लेकिन ना हमास खत्म हो रहा है ना ही हमास के लड़ाके इजरायली बंधकों को रिहा कर रहे हैं। नतीजे में इसराइल गाजा को बर्बाद कर चुका है, रफा को बारूदी कब्रिस्तान बना चुका है। फिलिस्तीन नाम के एक मुल्क की तबाही का यह दौर अब और भीषण हो चला है। वजह है इसराइल के तूफानी हमले। ये तस्वीरें देखिए, गाजा शहर की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। खंडहर में तब्दील गाजा, जहां देखिए मलबा ही मलबा है। जमीन दोज हुए मकान हैं, मस्जिदें, मलबों में अपनों को तलाशते लोग हैं। जुमे की रात गाजा में कहर टूटा, इसराइल ने पूरे गाजा को धुआं धुआं कर दिया। अंधाधुंध रॉकेट धमाके होते रहे, रह रहकर मिसाइलें फटती रहीं, जंगी जेट और टैंक से भी बारूद बरसता रहा। इसराइल ने गाजा की गलियों को गोलियों के खोखे से पाट दिया, लेकिन इसराइल का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। शनिवार की सुबह से आईडीएफ का तूफानी हमला जारी है। गाजा के नुसैरत रिफ्यूजी कैंप के आसपास हमास के लड़ाकों को निशाना बनाते हुए इसराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है। हमास की तरफ से दावा किया गया है कि इसराइल के हमले में नागरिकों की जान जा रही है, हालांकि इसराइल इन दावों को खारिज कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार शाम से शनिवार सुबह तक नुसैरात शरणार्थी शिविर और गाजा की दूसरी जगहों पर इजरायली हमलों में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जबालिया शरणार्थी शिविर के अल अलामी क्षेत्र में अबू जस्सर के परिवार को निशाना बनाया गया। वहीं उत्तरी गाजा में पत्रकार मोहम्मद जस्सर, उनकी पत्नी और दो बच्चों की मौत का दावा किया गया है। उत्तरी गाजा के गाजा सिटी में एक घर पर रात भर हमले में 5 लोगों की मौत रिपोर्ट है। वहीं मध्य गाजा में नुसैरात शरणार्थी शिविर में एक घर पर हुए हमले में 4 और लोग मारे गए हैं। उधर इजराइल ने दावा किया है कि दक्षिणी गाजा के रफा में आईडीएफ ने कई बंदूकधारियों को मार गिराया। आईडीएफ की गिफ्ती ब्रिगेड के सैनिकों ने हमास लड़ाकों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये ऑपरेशन 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड ने रफा के उत्तरी पश्चिमी तेल सुल्तान में अंजाम दिया। जमीनी हमले के साथ इसराइल का जोर हवाई हमले पर है। गाजा में सबसे ज्यादा बर्बादी इसराइल के हवाई हमले से हुई है। كل معظم الصلوات تصلي بيوتنا حتى مصليات كبيره مش موجوده مصلى صغير يعني ما لا تجوز الصلاه فيه يوم الجمعه
بعدد 20 15 لا يجوز الصلاة فيه. المساجد كلها في الشرقية مقصوفة. मतलब इसराइल बड़ा बेमुरव्वत होकर हमास को मार रहा है। मार ऐसी है कि हमास को रोने का वक्त भी नहीं मिल रहा है। हमास के समर्थन में इसराइल पर जो हमले हो रहे हैं उनका कोई असर नेतन्याहू की फौज पर दिखाई नहीं दे रहा। शुक्रवार 19 जुलाई को गाजा के दक्षिण नेतजारेम कॉरिडोर पर तैनात इजरायली बलों को निशाना बनाकर फिलिस्तीनी लड़ाकों ने कम से कम 6 हमले किए। दक्षिणी इजरायल पर रॉकेट हमला भी फिलिस्तीनी क्षेत्र से किया गया। अमेरिका के थिंक टैंक द इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर और क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट CTP ने भी रिपोर्ट दी है कि शुक्रवार की सुबह इसराइल के तेल अवीब में हूथी विद्रोहियों ने ड्रोन अटैक की कोशिश की। ISW CTP की संयुक्त रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया है। ISW CTP की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूथी विद्रोही इजरायली टोही विमान की काट भी नहीं तलाश पा रहे हैं। اليمنيين اصبحوا اليوم بنبع انذار وخبر لم يكونوا يتوقعوه ولم يكن يتوقعه احد في العالم وهو بان طائرتنا المسيره وصلت الى حيفا وهي تل ابيب وهي وسط هذه الدوله الصهيونيه ويعتبر الشعب اليمني ان هذا تطبيقا لوعد السيد عبد الملك عبد الدين الحوثي والقياده بانه سينتقم للشعب الفلسطيني. हालांकि तेल अवीब पर हूथी विद्रोहियों के ड्रोन स्ट्राइक का जश्न यमन में इस अंदाज में मनाया गया जहां इसराइल के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच हूथी लड़ाके हाईटेक हथियारों से लैस होकर सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे। हजारों की भीड़ ने इसराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। हालांकि गाजा में इसराइल से घिरा हमास ज्यादा दिन तक जंग जारी रख पाएगा इसकी उम्मीद बहुत कम है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक बिल बॉन्स ने सीक्रेट मीटिंग में दावा किया है कि